हम लोग लाल है। 4 लाख रुपया मिलेगा उसे मिल नहीं मिल पाएगा। अरे वो तो हल्ला गुल्ला होता है, डॉक्टर होते भाग जाओ तो मैंने तो सर सांप ऐसा है कि बचाना बहुत मुश्किल होता है। वो नहीं पता, ये जो सांप काटने वाला है अगर इसने बिना से काट लिया है क्योंकि साला ये जो ड्यूटी के ईएमओ थे उन्होंने फोन किया कि एक बच्ची यहाँ पर अंजलि नाम की भर्ती हुई है 7 साल की किसी धौरी कुइयां गांव के रहने वाली, तो उस बच्ची को सांप सर्पदंश हुआ था और उसको 8 इंजेक्शन अस्पताल के एएसवी के लगाए गए एंटी स्नेक वेनम के, लेकिन उसके बावजूद उसकी तबीयत में सुधार नहीं हुआ। बच्चों के डॉक्टर डॉक्टर संजय चौधरी को बुला के उन्होंने दिखवाया और उन लोगों को बताया भी गया कि इसको गोरखपुर अगर ले जाइए तो शायद बच सके, लेकिन घर वाले कहीं ले जाने को तैयार नहीं हुए तो उसको वहीं रख के मैनेज किया गया। अच्छा, लगभग 7:30 बजे उसकी जब डेथ हो गई तो उन लोगों ने बवाल काटना शुरू कर दिया। इतना ज्यादा बवाल काटा कि डॉक्टर्स और कर्मचारियों को जाके पीछे दूसरे वार्ड्स में छुप छुप के अपनी जान बचानी पड़ी और उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस उनके कहने पे तो नहीं आई, लेकिन उन लोगों ने हमको कहा तो मैंने पुलिस यहाँ के एएसपी सर को फोन करके और पुलिस को अरेंजमेंट किया, तब जाके मामला थोड़ा थमा। अब वो लोग शायद एम्बुलेंस के लिए वो कर रहे हैं, तो शव वाहन तो वो अगर ऐसे भी कह देते तो हम लोग उनके लिए अरेंज कर देते, कोई उसके लिए तो आप जानते हैं। शव कहाँ गया इस समय? मॉर्चरी के लिए। लोग उसके इलाज में कोताही की बात कर रहे हैं तो शव का पोस्टमार्टम कराने में कोई वो नहीं है कि करा दिया जाए और जो उनको जो कमी लग रही है वो सामने आ जाएगी। कैलाश हमारा कैलाश नाम है, कुरवा गाँव है। यहाँ यहाँ तो दवाइये नहीं भाई, दवा 10 रुपया के वहाँ पे लिख के भेज दिन, पर्ची भी अभी था हम वहाँ से लेके आए तो इंजेक्शन लगा के भी जाओ बाहर जाओ। ये जो व्यक्ति का है कौन है आपकी? हमारी लड़की है सर। कितने साल की है? 8 साल के। क्या नाम है इसका? अंजलि। क्या हुआ था? सांप काट है। डॉक्टर कहाँ है? सुई लिख दी है, उसके बाद में दवाई लेके आए, दवाई लाओ बाद में इंजेक्शन लगा दें, कहाँ तो बाहर लेके जाओ। क्या चाहते हैं आप? अब तो जिंदा तो कह नहीं पाई, हमें तो जिंदा चाहिए। सांप काटा था 4:30 बजे, ये लोग 5 बजे अस्पताल आ गए तो डॉक्टर साहब कोई मौर्या करके हैं तो ये कह रहे हैं कि यहाँ महेंद्र मौर्या ये बता रहे हैं कि यहाँ कोई दवा नहीं है, ले जाइए गोरखपुर, बल्कि डिस्चार्ज कागज ये बना कर दिए हैं। उसके बाद बहुत कहने से दवा स्टार्ट की है, थोड़ी देर के बाद पता चल रहा है कि एक्सपायर हो गए, हम लोग भी सुने हैं तो आए। दवा हुआ दबाव से मतलब बहुत कहने होने से सिफारिश पे दवा ये लोग चालू किए हैं समय बिताने के बाद। तो इस समय मामला क्या चल रहा है, क्यों आप लोग खड़े हैं? हम लोग खड़े हैं कि इस पर कोई कार्यवाही हो, आज इसके साथ हुआ कल दूसरे के साथ होगा, डॉक्टर जब यही लापरवाही है। पोस्टमार्टम में डॉक्टर बताया जा रहा है कि ये विधायक जी के पटीदार के भाई हैं, उनके साथ ऐसा हो रहा है। जी जी जी, और लोगों के साथ क्या होगा वो तो भाई क्या कहा जाए।